तो वेल रेडमी नोट 10s को एक लेटेस्ट अपडेट मिला है MIUI 14.0.10.0.TKINXM के INXM एंड इस अपडेट के बाद कुछ चेंजेस भी देखने को मिला है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊं कि क्या इस डिवाइस को अभी भी HyperOS का अपडेट मिलने के चांसेस है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो अच्छा अपडेट है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जून 2024 वाला मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अदर जो डिवाइस है उसमें अभी भी लेटेस्ट वाला सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिला है। बट MIUI 14.0.10.0 की अपडेट के बाद इंडियन यूजर्स को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। कुछ एप्लीकेशन के अपडेट भी आ सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद सबसे पहला जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो विडेज सेक्शन में देखने को मिलेगा अगर आप Xiaomi के ऑफिशियल विडेज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल देख लीजिए, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। जो टॉगल्स वगैरह है, ऑप्शन वगैरह सभी को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, स्वाइप अप या स्वाइप डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से आप स्वाइप अप और डाउन कर सकते हैं। किसी भी विडेज को यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो प्रमोशन वाला है उसे छोड़ के। तो इस तरह का एक चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरा है सिक्योरिटी एप्लीकेशन का चेंजेस। यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे चलते हैं, उसके बाद मेन मेनू में तो कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वाइप अप करेंगे तो अब आपको टूल बॉक्स के अंदर न्यू लॉगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सेम इस तरह से स्वाइप अप करूं एंड नीचे करूंगा तो देखिए लॉगो किस तरह से नीचे चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस मुझे देखने को मिला है। हालांकि ये उतना बड़ा चेंजेस नहीं है बट ठीक है, एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगता है। एंड बैटरी वगैरह में कुछ खास चेंजेस नहीं आया है, वही ओल्ड वाला है। बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि बैटरी बैकअप थोड़ा सा बढ़ेगा अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करें। यहाँ पे आना है, उसके बाद जो बैटरी चेकअप लिखा रहा है सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ रिकमेंडेशन देगा, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लोकेशन एंड डार्क मोड भी एक्टिवेट करने बोल रहा है जिससे और ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, बट मैं इसे स्किप कर देता हूँ एंड जो ऊपर के रिकमेंडेशन है उसे मैं यूज करता हूँ, तो इससे और ज्यादा बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। और अपडेट के बाद गैलरी में भी चेंजेस होना जरूरी था बट यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अगर आपके पास दूसरा किसी Xiaomi का डिवाइस है, गैलरी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं तो नीचे जो UI डिजाइन है वो कम्प्लीटली iPhone जैसा लुक प्रोवाइड करता है, बट इस अपडेट में ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। आप डेमो भी देख सकते हैं कि अपडेट के बाद काफी सारे Xiaomi डिवाइस में गैलरी एप्लीकेशन का UI डिजाइन कम्प्लीटली iPhone के जैसा हो चुका है, बट इसमें अभी भी मिलना बाकी है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि Redmi Note 10 को क्या HyperOS का अपडेट मिलेगा या नहीं। तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले गूगल में चलते हैं एंड सिंपली टाइप कर देते हैं Xiaomi इन ऑफ लिस्ट, एंड यहाँ पे लिस्ट का लिंक आ गया, सिंपली हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट डिवाइस का लिस्ट दिया गया है, सिर्फ 10 सीरीज को ही देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते हैं। 10 सीरीज का हर एक डिवाइस है, 10s अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ऐड नहीं होने की वजह से इसमें अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिला है जो कि जून 2024 वाला है। तो इस हिसाब से आप उम्मीद रख सकते हैं कि अभी भी 50-50 चांस है कि Redmi Note 10s को लेटेस्ट HyperOS का अपडेट मिल सकता है। और अगर नहीं भी आए तो काफी सारे HyperOS के कस्टम रोम अवेलेबल है Redmi Note 10s के लिए जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एंड ऑफिशियल वर्जन से बहुत ज्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो मैं उन सभी को भी रिकमेंड करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं तो आप आई बटन में जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड बात रही कि बैटरी बैकअप कैसे देखने को मिल रहा है, तो देखिए इससे पहले जो अपडेट था उसमें भी मुझे बैटरी बैकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है एंड इस अपडेट के बाद भी मुझे बैटरी बहुत ही अच्छा बैकअप दे रहा है। तो आप इजिली से अपडेट कर सकते हैं। डिवाइस के सेटिंग पे जाना है, अपडेट सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे MIUI पे लॉगो पे क्लिक कीजिए, अपडेट शो हो जाएगा। एंड ये अपडेट स्टेबल और बीटा सभी यूजर्स के लिए है, तो हर कोई अपडेट कर सकता है, वेट करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली विजिट कीजिए एंड अपडेट कर लीजिए, अपडेट बहुत ही अच्छा है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो कि Redmi Note 10s को लेटेस्ट अपडेट मिला है, क्या क्या चेंजेस है, HyperOS का अपडेट कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इंस्टॉलेशन में पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।